अब मैं इसके हर पहलू पर नहीं बोलूंगा। ज्योतिष, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रहों की स्थिति को देखकर कुछ भविष्यवाणियां करना है ना? मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। ज्यादातर समय जो लोग अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपको अतीत के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं, या कुछ लोग आपको कल के बारे में स्पष्टता से बताते हैं। वो ग्रहों को देखकर नहीं बताते, वो आपको देखकर बताते हैं। कुछ लोगों में एक इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान होता है, वो बताते हैं। योग सिखाने के बजाय अगर मैं चेन्नई में बैठकर बस लोगों का भविष्य बताऊं, मैं उन्हें बता दूंगा कि उनके जीवन में अगले 10 वर्षों में क्या होगा। 3 दिनों में मेरा ऐसा नाम हो जाएगा कि आधा चेन्नई लाइन लगाकर खड़ा होगा। मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन योग केंद्र में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत साधना की है, वो ये कर सकते हैं। अगर वो कभी ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मैं उन्हें उस बकवास के साथ नहीं रहने दूंगा। हम उन्हें तुरंत बाहर निकाल देंगे, क्योंकि किसी के भविष्य के बारे में बताकर आप उसके जीवन की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं लाते। आप किसी भी तरह की सच्ची खुशहाली नहीं लाते। आप सिर्फ उसे ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी बना रहे हैं, है ना? अगर आप में अपना कल जानने की शक्ति है तो आप सिर्फ अधिक अज्ञानी, अधिक अहंकारी, अधिक मूर्ख, अधिक हानिकारक होंगे। More harmful. आप सामान्य नियमों से चलिए, ये ठीक है। कल को जानना जरूरी नहीं है। आप अभी इस तरह बने हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता और आपके होने का एक तरीका ऐसा है। अगर आप आज कल को जानते हैं तो आप आज में भागीदारी नहीं दिखाएंगे, है ना? आया ना? मान लीजिए मैं आपको बताऊं, आप जो भी करें आप नहीं मरेंगे, आप दुनिया में गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे। या अगर मैं आपसे कहूं कल वैसे भी आप मर जाएंगे, आप आज में भागीदारी नहीं दिखाएंगे, है ना? इसलिए आपको भविष्य नहीं जानना चाहिए। भविष्य जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। क्या भविष्य बताया जा सकता है? हाँ, कभी कभी, लेकिन यह 100% नहीं होता। यह कभी 100% नहीं होता। हर वस्तु आप पर एक तरह का प्रभाव डालती है। देखिए, यह लोटा, इसके आकार और इसकी धातु के कारण इसका एक तरह का प्रभाव है। यह एक तरह का स्पंदन फैला रहा है। अगर मैं इस लोटे को मुझे प्रभावित करने देता हूं, मैं उसे अपने पास रखता हूं क्योंकि यह काफी अच्छा दोस्त है। मैं प्लास्टिक का बर्तन नहीं रख रहा क्योंकि मुझे उसकी कई चीजें पसंद नहीं है। मैं इसे रखता हूं क्योंकि यह अच्छी चीजें कह रहा है। मैं हमेशा अच्छी संगत में हूं, जरा देखिए। पर अब अगर मैं इस बर्तन को मुझे बहुत अधिक प्रभावित करने देता हूं तो धीरे धीरे मैं एक बर्तन जैसा बन जाऊंगा। This will happen to you. आपके साथ ऐसा होगा। बहुत से लोग बर्तनों जैसे हो गए हैं, है ना? वो चीजों को इतनी गहराई से प्रभावित करने देंगे, वो वैसे ही बन जाएंगे। अब मैं इस तांबे के बर्तन को मुझे प्रभावित करने नहीं दूंगा, पर मेरी संगत में होने के नाते वो इतना प्रभावित है। आप देखेंगे, आप एक और तांबे का बर्तन लीजिए, आप मुझे कुछ भी दीजिए, आप मुझे कोई भी चीज दीजिए, मुझे बस 20 सेकंड दीजिए, मैं इसे अपने हाथ में रखकर आपको वापस दे दूंगा। ये अलग होगा। अगर आप संवेदनशील हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि यह बिल्कुल अलग है। तो सवाल सिर्फ ये है, क्या आप चीजों को खुद को प्रभावित करने देंगे या आप उन्हें प्रभावित करेंगे? ग्रह निश्चित रूप से बड़ी चीजें हैं, तो उनके कुछ कंपन हैं, उनके आसपास की हर चीज पर कुछ प्रभाव होता है। अगर वो इस ग्रह के पास हैं, तो हां। क्या आप जानते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो लोग थोड़ा मानसिक रूप से परेशान या असंतुलित हैं, बहुत अधिक असंतुलित हो जाते हैं, हाँ, यहां तक कि सागर पागल हो जाता है, है ना? क्या आप सभी पागल हो जाते हैं महीने में 2 बार? कुछ लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। महीने में 2 बार अगर ऐसा हो रहा है तो आपने देखा होगा,
वैसे भी कृपया अपने परिवार से पूछें, वो बताएंगे। अब उस व्यक्ति की तुलना में जिसका मन असंतुलित है, आप अधिक स्थिर हैं, अधिक स्थापित हैं। चंद्रमा कहीं भी जाए, आप पागल नहीं होते। अगर आप और भी ज्यादा स्थापित हैं, तो कोई ग्रह कहीं भी जाए, आप पागल नहीं होते। बस आपके जीवन का उद्देश्य और भाग्य आप तय करते हैं, कोई और नहीं बल्कि आप। हाँ, हर चीज का प्रभाव होता है, पर उस प्रभाव से आप क्या बनाते हैं वो फिर भी आपके हाथों में है, है ना? पर अगर आप बेजान चीजों के धक्के खाने वाले हैं, तो हाँ, आपको धक्के दिए जा सकते हैं, उस हद तक ये सच है। मैं कह रहा हूं, जब आपके भीतर परमात्मा काम कर रहा है, जब निर्माता आपके भीतर काम कर रहा है, तो आप बेजान चीजों को अपने जीवन को प्रभावित क्यों करने दे रहे हैं? अगर आप इस आयाम को खुद में खिलने देते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन शानदार हो जाएगा। तारों को कहीं भी जाने दीजिए, ग्रहों को कहीं भी जाने दीजिए, आप वहीं जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाना चाहते हैं, या आप बेजान चीजों से धक्के खाना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। अब वो कुंडली में लिखकर दे रहे हैं कि आप कैसे रहने वाले हैं। कृपया मुझे बताइए, अगर इस कमरे में एक समझदार इंसान है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो अगले पल क्या करेगा? वो कुछ ऐसा कर सकता है जो किसी ने कभी नहीं किया, है ना? अगर यहां कोई मूर्ख है, अगर आप उसे देखते हैं, तो आप कह सकते हैं ठीक है, आप ऐसे जिएंगे। अगर वो इसे कागज पर लिख के दे सकते हैं कि अपना जीवन ऐसे जिएंगे, तो क्या करें? मतलब आप बुद्धि का उपयोग करने से इनकार कर रहे हैं, है ना?